नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे दिन की 7 ऐसी बड़ी खबरें जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी राज्य से हैं। हर राज्य के लिए वो खबरें निकल कर आ रही हैं जो 7 महत्वपूर्ण खबरें हैं पूरे दिन की, जिसमें आपको राम मंदिर के लिए जो एक याचिका लगा दी गई कि रद्द कर दिया जाए 22 जनवरी का प्रोग्राम, वहीं आधार कार्ड से लेकर, वहाँ फास्टैग से लेकर, वहीं बात करें आपकी गाड़ी चलाते हैं तो उसके नंबर प्लेट को लेकर काफ़ी बड़े ऐलान हैं पूरे दिन के अंदर की, बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, फटाफट ये काम अपने कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू करते हैं फिर खबर। तो राम मंदिर से आ रही है, कोर्ट पहुंचा राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा, एचसी से अयोध्या के समारोह पर रोक लगाने की मांग। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो महोत्सव है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मंदिर में अभी पूरा काम हुआ नहीं है और उससे पहले अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जो कि नहीं पॉसिबल है। ये चीज जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई है उसने ऐसा कहा है, जिसमें न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक याचिका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले भोला दास की है, जिन्होंने कहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के साथ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, ऐसे में देवता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती क्योंकि ये सनातन परंपरा के साथ में खिलवाड़ है, ऐसा कुछ करके उन्होंने ये याचिका लगाई है। वहीं बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर जो कि आ रही है, वहीं अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के नहीं जाने के ऐलान पर CM योगी बोले, अवसर श्रेय का नहीं है कोई भी हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। आज तक का एक इंटरव्यू उनका हुआ था, उसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया जितने भी शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, तीर्थ क्षेत्र ने हर धर्माचार्यों को आमंत्रण भेजा है, मुझे लगता है कि ये अवसर श्रेय का नहीं है, मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूँ, सामान्य नागरिक हो या देश का बड़ा से बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है, हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। ऐसा आदित्य योगीनाथ ने कहा कि जो लोग नहीं आ रहे हैं इस दिन को लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं इसके प्रति, तो उन्होंने ऐसा बयान अपना दिया। बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की, आधार नंबर अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा, EPFO ने किया है बड़ा बयान। जी हाँ, UIDA की तरफ से एक निर्देश दे दिया गया जिसमें अब आधार कार्ड है वो जन्म तिथि के लिए नहीं माना जाएगा, EPFO में उसे यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया है। EPFO ने 16 जनवरी को यह सर्कुलर जारी भी कर दिया और उसके मुताबिक UIDAI से एक पत्र भी मिला है, इसमें बताया गया कि जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं है, इससे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया। वहीं पर अब आप कौन से सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको मैं बता देता हूं, कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन और मेडिकल सर्टिफिकेट है, बाकी कुछ और सर्टिफिकेट्स आपके सामने मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब जन्म प्रमाण पत्र का डेट जो है आपका वही होना चाहिए, आधार की डेट ऑफ बर्थ नहीं मान्य होगी। बात करते हैं अब सबसे बड़ी चौथी खबर की, फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें, जल्दी से निपटा लें यह काम, 31 जनवरी के बाद बदल जाएगा बड़ा नियम। जी हां, अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अगर अभी तक आपने KYC को नहीं करवाया है, अगर आप KYC 31 जनवरी से पहले नहीं करवाते तो आपके जितने भी फास्टैग बने हुए हैं वो सारे के सारे ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सारे के सारे अमान्य, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसको शुरू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि एक फास्टैग पर एक ही गाड़ी चलाई जा सके, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फास्टैग एक होता है लेकिन 2 से 3 गाड़ियां एक ही फास्टैग से चलती है, उसे रोकने के लिए ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया। तो अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया तो जरूर करवा लीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है यूनियन बजट की, पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट की उम्मीद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है बड़ा ऐलान। जी, आप सबको बताओ, मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है, जिसमें ऑल टैक्स रिजीमे के तहत टैक्स की छूट दी जा सकती है। बाकी इस बजट में कोई खास ऐलान की बात नहीं है, जो कि पहले से ही बता दिया गया था, लेकिन हाँ, ऑल टैक्स रिजाइमा में आपको एक बेनिफिट जरूर मिल सकता है जिनका टैक्स लगता है। बात करते हैं अगली सबसे इंपॉर्टेंट खबर की, खत्म हुई वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख, अब लगेगा जुर्माना। जी हाँ, आप सबको बता होगा कि सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जो तारीख थी वो 15 जनवरी 2024 थी इंदौर के लिए, और ये नियम चालू कर दिया गया था हर राज्य के लिए। तो जिन्होंने भी ये नंबर प्लेट अब नहीं लगवाई है तो उनके लिए आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, और आप अगर नंबर प्लेट अब लेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ, यही सेम नियम अब राजस्थान के लिए भी लागू कर दिया गया, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया, जिसमें राजस्थान सरकार ने इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस किया है। और आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या क्या आपकी चार्जेस लगने वाले हैं, जिसमें दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपये लगेंगे, तिपहिया वाहन के लिए 470 रुपये, चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपये, और भारी मोटर वाहन यान है तो उसके लिए 730 रुपये, ट्रैक्टर व कृषि के जो भी काम करने वाले वाहन है उनके लिए 495 रुपये का आपको पंजीकरण शुल्क देना होगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो नंबर प्लेट है वो लगवा सकते हैं। बात करते हैं अंतिम 7वीं बड़ी खबर की, ANM GNM और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है, इसमें अभ्यर्थियों को पहली बार मिलेगा 5वां ऑप्शन। जी हाँ, अब तक आप अगर एग्जाम देते तो 4 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब 5वां ऑप्शन भी दिया जाएगा, और अगर इस 5वें ऑप्शन को भी अगर खाली छोड़ देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस ऑप्शन को बनाने का सबसे बड़ा कार्य यही है कि अगर आपको लगता है कोई भी उत्तर 4ों में से आपको लगता है कि आपको नहीं आता है तो आपको 5वां फिल करना होगा, अगर वो नहीं करते हैं तो आपका नेगेटिव अंक काटा जाएगा। जी हाँ, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो
तो इस बार ये पांचवा ऑप्शन भी आपको देखने को मिला आने वाली परीक्षाओं में जो 3 फरवरी 2024 को होने वाली है। तो ये थी पूरे दिन की सबसे 7 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ये सारी की सारी खबरें अपने दोस्तों, घर परिवार में सबको शेयर कर देना, क्योंकि ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान है। के लिए इस वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दीजिएगा मुझे, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं कर रखा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।